हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन हंट। आज मैं आप सबके लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। हाँ जी, गुड न्यूज़ बिल्कुल सही आपने समझा। जो भी स्टूडेंट्स पंजाब की जो वैकेंसीज़ हैं उनके लिए वेट करते रहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने 141 पोस्ट निकाली है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए। तो जो बच्चे इन पोस्ट की वेट कर रहे थे, इन वैकेंसीज की वेट कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने लिए एक नौकरी पक्की करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। कैटेगरी वाइज जो है, अलग अलग पोस्ट है, जो कितनी कितनी वैकेंसीज हर कैटेगरी के लिए, जिसमें कि जो जनरल कैटेगरी है उसकी पोस्ट है 55। ठीक है, और उसके बाद एक्स सर्विसमैन की कितनी है, 10। फ्रीडम फाइटर वार्ड्स के लिए 1 है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 3 है। इसी तरह जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए फर्स्ट है, जो ब्लाइंड और लो विज़न पर्सन हैं उनके लिए 2 है, डेफ एंड हार्ड हेयरिंग के लिए भी 2 है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए कितनी है, 1 है। ठीक है, उसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए भी 1 है। जो शेड्यूल कास्ट वाले हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितनी है, 15 है। जो शेड्यूल कास्ट अदर्स में आते हैं, एक्स सर्विस मैन में, उनकी कितनी है जी, 3 है। जो शेड्यूल का स्पोर्ट्स पर्सन में आते हैं उनके लिए कितनी है, 1 है। और जो वाल्मीकि मजहबी सिख हैं उनके लिए हमारी आती हैं 14 पोस्टें हैं। उसी कैटेगरी में जो एक्स सर्विस मैन है उनकी 2 है, स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी 1 है। जो बैकवर्ड क्लास है उनकी कितनी है, 13 है। ठीक है, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उसी में जो एक्स सर्विस मैन वगैरह आते हैं उसमें 3 है। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनकी कितनी पोस्ट है, 14। और इन सबको मिला के जो हमारी 141 जो वैकेंसीज हैं टोटल, ये इसमें आ रही हैं। तो गाइस, ये जो जो भी स्टूडेंट्स इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या जिन्होंने इस फील्ड में अपना ग्रेजुएशन करी है, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करने के लिए। आगे मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ डिटेल में। द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इज लायबल टू ऑल्ट्रेशन विदाउट एनी नोटिस। इट मीन्स कि जितनी भी वैकेंसीज हैं और रिजर्वेशन है पोस्ट की, ये कम या ज़्यादा कर सकती है गवर्नमेंट विदाउट एनी नोटिस। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी हमें सबको रहता है कि हाँ कि हमारा पे स्केल कितना होना चाहिए, तो जो इसमें पे स्केल है जी वो है 15,600 से 39,100 तक, प्लस 5,400 इसका ग्रेड पे है। क्योंकि ये जो पोस्ट है वो ग्रेड ए की पोस्ट है, कैटेगरी ए की, जो कि बहुत ही हाई पोस्ट होती है। और इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन रिकमेंडेड है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो जिस स्टूडेंट की बीएससी की डिग्री एग्रीकल्चर में है और उसके मिनिमम 60% मार्क्स हैं, वही एलिजिबल है इस पेपर को देने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर उसकी डिग्री, उसके पास मास्टर्स डिग्री है एग्रीकल्चर में, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, इन सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी स्टूडेंट ने, इट मींस मेरे कहने का मतलब ये है कि हर स्टूडेंट का जो टेंथ में है पंजाबी का सब्जेक्ट है, जो उसको ज़रूरी है कि उसने क्लियर किया होना चाहिए। अगर किसी ने टेंथ में पंजाबी का सब्जेक्ट नहीं लिया तो वो उस पेपर को देने के एलिजिबल नहीं है। ठीक है, नीचे एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन बिफोर और बाय 31 मार्च 2020। इट मीन्स कि अगर कोई बच्चा अभी तक ग्रेजुएट नहीं है तो 31 से पहले पहले भी अगर वो ग्रेजुएट हो जाता है तो वो भी एलिजिबल है इसको फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, इसके लिए जो एज फैक्टर है उसमें जो कैंडिडेट है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 37 ईयर्स की एज तक का होना चाहिए। कब तक, 1st 2020, मीन्स 1st Jan 2020 तक अगर बच्चा इस कैटेगरी एज कैटेगरी में अंदर आता है तो वो एलिजिबल है इस पेपर को फिल करने के लिए। ठीक है, तो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इट मीन्स कि जो इसका एग्ज़ाम होगा वो मोस्ट प्रोबेबली जो कमीशन है 8 मार्च 2020 तक वो पेपर ले लेगा इसका। ठीक है, बाकी अगर जो भी चेंजेस आएंगी तो वो फर्दर इनकी फर्दर PPSC के साइड में नोटिफिकेशन आ जाएगी। गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और चीज़ क्या है इसमें, कि जो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है, ठीक है, वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक दिया हुआ है, जिसकी आप वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, www.ppsc.gov.in पे जाके आप लॉगिन कीजिएगा, तो उस पे आपको ऑनलाइन अप्लाई का फॉर्म मिल जाएगा, तो उस पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
बट फॉर्म का डेट्स भी आपको बता देता हूँ, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो लास्ट डेट है फाइलिंग की वो कितनी है, 20 फरवरी 2020 के। अगर 20 फरवरी 2020 से पहले पहले आप कर देंगे तो अच्छी बात, अगर नहीं करेंगे तो आपका आप एलिजिबल नहीं रहेंगे फॉर्म को फिल करने के लिए। और जो फीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट है वो कितनी है, 27 फरवरी 2020। ये थी गाइस पूरी डिटेल जो है हमारी पीपीएससी की, जितनी भी पोस्टें आई हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की उनके रिगार्डिंग सारी डिटेल मैंने आपको दी है। तो गाइस अपने अपने शूज़ के लेसेस टाइट कर लीजिए, जिन्होंने इस पेपर को देना है तो आज से ही अपना स्टडी शेड्यूल बना लीजिए ताकि जब पेपर आए तो आपको कोई भी इशू ना हो। और अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरे को ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं नीचे लिंक आपको सेंड कर दूंगा। ऐसे ही जितने भी आगे पोस्ट आती रहेंगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा हर एक पोस्ट के रिगार्डिंग कि कौन कौन सी नई पोस्ट या वैकेंसीज आई हैं। और फर्दर पोस्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू गाइज़।